दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं UMT का जो ISP टूल जो आया हुआ है EMMC हार्डवेयर, ठीक है, उसके बारे में। उसको मैं दिखाऊंगा आपको कि वो अगर टूल खरीदते हैं आप EMMC हार्डवेयर तो उसमें उसके साथ में क्या क्या आता है और कैसे उसे यूज करना है और उसका जो UMT का EMMC टूल है, ठीक है, तो EMMC टूल को कैसे डाउनलोड करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप UMT का सपोर्ट एक्सेस जो डाउनलोडर होता है उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको EMMC टूल जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको वो टूल डाउनलोड करना है, EMMC हार्डवेयर का टूल जो है वो उसे आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड पे आपको लेकर के जाएगा, वैसे आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये EMMC टूल जो है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके पे क्लिक मारना है, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक मारना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जब ये डाउनलोड आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन है लोकेशन का, ठीक है, लोकेशन पे जैसे क्लिक मारेंगे आप तो ये फाइल डाउनलोड होकर जहां पर आपके सी प्रोग्राम में जिस फोल्डर में भी होगा वहां पे आपको दिखाई देगा, तो ठीक है। तो UMT के फोल्डर में ये रहता है, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, इसे आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो ये सेटअप इंस्टॉल होकर के आपके कंप्यूटर पर जो है डेस्कटॉप पर आ जाएगा। फिनिश करने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। तो डेस्कटॉप पर आ चुका है नीचे में EMMC टूल, और उसके बाद इसे ओपन करेंगे तो ये मैसेज देगा आपको कार्ड फार्मवेयर अपडेट, ठीक है। तो आप इसे अपडेट करेंगे लेकिन अपडेट करने से पहले आपको टूल को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो टूल को एक्टिवेट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप हमारी वेबसाइट से वहां पर टूल को आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको UMT का सीरियल नंबर देना होगा उसमें, उसके बाद आपका टूल एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं FW अपडेटर के नाम से एक फाइल है, वो भी आपको यहीं पर मिलेगा। सबसे नीचे में फाइल है FW अपडेटर, इसे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जो है पहले से ही ऑलरेडी इस FW अपडेटर फाइल को डाउनलोड कर रखा है UMT कार्ड को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो EMMC टूल को जब आप एक्टिवेट करवाएंगे, पहले एक्टिवेट करने के बाद आपको FW अपडेटर से अपडेट करना होगा, तभी आपका टूल जो है कम्प्लीटली ओपन होगा। तो ये जो FW अपडेटर मैंने इसे पहले डाउनलोड कर रखा है तो मेरे पास यहाँ पर है, तो चलिए हम यहाँ से इसे ओपन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको अपडेट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट करने का, यहाँ पे अपडेट करेंगे तो लेकिन आपका जो EMMC टूल एक्टिवेट रहेगा तभी यहाँ पर अपडेट होगा। अगर आपका टूल एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट आपने नहीं करवाया है तो यहाँ से अपडेट ये नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आपको इसे टूल को एक्टिवेट करवाना होगा, UMT का सीरियल नंबर डाल करके हमारी वेबसाइट पर आपको पहले से एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के बाद जो है आप इसे इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको UMT का EMMC हार्डवेयर लेना होगा, ठीक है, ये है UMT का EMMC हार्डवेयर। तो चलिए मैं आपको बता दूं अगर आप ये हार्डवेयर लेते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर सबको। ये कुछ वायर्स हैं इसमें, ये EMMC IC का जो है ये किट है, ठीक है, ऐसे ये कुछ काम का नहीं है मेरे हिसाब से। और ये है इसका ISP अडोप्टर, ठीक है, EMMC ISP अडोप्टर है ये, ठीक है, किट है, ISP किट है। इसमें यहाँ पे VCC LC के ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आप यहाँ पे जम्पर करके मोबाइल में जो है जम्पर कर सकते हैं, जिस तरह ओप्पो A3S में करते हैं, UEFI बॉक्स में जिस तरह करते हैं उसी तरह से आपको इसमें सेम टू सेम वैसे ही जम्पर करना है। उसके बाद ये है आपका UMT का EMMC हार्डवेयर, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये केबल साथ में नहीं आता है खरीदने पर, ये केबल आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, या तो प्रिंटर में जो केबल आप यूज करते हैं उस केबल को भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और बीचों बीच आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। तो इससे भी आप अगर आपको EMMC का पिन अगर पता है आपको तो इससे भी आप जो है जम्पर मार सकते हैं डायरेक्ट बोर्ड पर, मोबाइल के बोर्ड पर। और पता नहीं है अगर आपको तो आप जो है डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसके माध्यम से आप जम्पर कर सकते हैं, बीचों बीच इसको ऐसे लगाना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो EMMC के हार्डवेयर भी जो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप वहां से बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे भी आप बुक कर सकते हैं। और EMMC टूल जो है UMT का उसे आप एक्टिवेट करवा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।